नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज शनिवार है और जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए उनके समर्थक या उनके करीबी 3 लोग मिलने जाते हैं और आज उनसे मिलने के लिए उनकी बेटी सिंगापुर से आई है। जी हाँ, रांची के रिम्स में लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए लालू की बेटी रोहिणी आचार्य आज सिंगापुर से रिम्स पहुंची और उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान वो काफी भावुक दिखी। जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। धन्यवाद, घर का बात वैसा कुछ नहीं। सारे झारखंड वाले लोग पापा रिक्वेस्ट किए कि जाकर के भारी संख्या में अपना मतदान का प्रयोग करें और RJDN महागठबंधन को विजयी बनाए, जितने भी 7 सीट पे हैं RJD का। काफी दिनों के बाद आप मिलने आई? 6-7 महीने के बाद। पिता से मिला आपने, कैसा तबीयत उनका था? ठीक है, अभी स्वास्थ्य हमेशा अप डाउन होते ही रहता है, लेकिन अभी ठीक है, उनको मिल करके अच्छा लगा। उन्होंने मैंने कुछ मिस बताया, मिस करते हैं घर को? तो मिस नहीं करेंगे घर को, आप लोग कोई बंद करके रखेगा तो आप लोग घर वाले मिस नहीं करेंगे आप लोग को। रोनी जी, आप लगातार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रही हैं, हम लोग लगातार आपको पढ़ते रहे हैं, अब क्या कहेंगे? आज इलेक्शन का पहला फेज भी है और बिहार झारखंड की राजनीति भी बहुत गर्माई हुई है। हाँ, बोले ना, सबसे अपना जनता लोग से रिक्वेस्ट करें कि भारी संख्या में जाके मतदान का प्रयोग अपना करें, मताधिकार का प्रयोग करें। मैडम सामने बुलेटिन को लेकर, मैडम बुलेटिन जारी नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य कैसा? डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे हैं। ये तो डॉक्टर ही बताएंगे आपको स्वास्थ्य का सारा जानकारी। परिवार के सदस्य होने के नाते क्या मांग करेंगे? नहीं, अच्छा से अच्छा इनका मेडिकल इलाज हो। मैडम पिछले महीने से इनका बुलेटिन, मैंने मेडिकल बुलेटिन जो पहले जारी होता था शनिवार को, डॉक्टर बताते थे कि कैसा उनका स्वास्थ्य है। तो आप तो यहाँ के गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए ना, हम तो यहाँ के गवर्नमेंट है नहीं। परिवार का तो हम लोग तो जो भी इनके लिए है बेस्ट डिमांड तो कर ही रहे, कोई फुलफिल हुआ अभी तक? आप रोनी जी, आज 3-4 दिन पहले यहाँ रांची में एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, सरकार काफी विफल रही, हालांकि गिरफ्तार तो हुए, लेकिन इस तरह की लॉ कॉलेज की छात्र थी, लॉ कॉलेज के पास हाल पास नहीं है। ये तो हर जगह हो रहा है, हर जगह सरकार निकम्मी है, झारखंड की, बिहार की, जहाँ कभी देख लीजिए, जहाँ पे भी गैर महागठबंधन की सरकार है सब जगह का यही हाल है। हम लोग डिमांड करते हैं जो भी कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या आप अपने सोशल मीडिया से कैंपेन चलाएंगे? चलाएंगे अगर जनता डिमांड करेगी तो। बाहर मैडम लगता है कि यहाँ इलाज बाहर भेजे हैं कुछ आप कहेंगे? हाँ, फैमिली मेंबर को हम तो चाहेंगे कि बेस्ट से बेस्ट। आपने सुन लिया, रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में रहती है, लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी हैं, आज वो रिम्स पहुंची, सिंगापुर से आई थी अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने और काफी भावुक थी, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रही हैं। आपको बता दें कि आज दूसरे मुलाकाती के तौर पर बेलागंज से विधायक, राजद विधायक सुरेंद्र यादव भी रिम्स पहुंचे थे, वहीं तीसरे मुलाकाती के तौर पर शिवहर से राजद के प्रत्याशी रहे सैयद अली फैसल, जो कि लोकसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं, प्रत्येक शनिवार को 3 लोग उनसे मिलने जाते हैं और उनके हालात का जायजा लेते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लालू प्रसाद यादव के हेल्थ बुलेटिन को लेकर भी कई तरह की खबरें आती रहती है क्या, क्योंकि बीते काफी दिनों से उनका हेल्थ बुलेटिन भी जारी नहीं किया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या हेल्थ बुलेटिन जारी होता है या और उनके समर्थक, लालू प्रसाद के जो समर्थक, उनको और भी इंतजार करना पड़ेगा। आप बन रहे हैं हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।